اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين आप कह दीजिए मेरी राह यही है मैं और मेरे मुतमैन अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं पूरे यकीन और अतमाद के साथ और अल्लाह पाक है और मैं मुशरक़ों में नहीं ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها और इससे ज्यादा अच्छी बात वाला कौन है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नए काम करे और कहे कि मैं यकीन मुसलमानों में से हूँ नेकी और बदी बराबर नहीं होती बुराई को भलाई से दफा करो फिर वही जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है ऐसा हो जाएगा जैसे दिली दोस्त और ये बात इन्हीं को नसीब होती है जो सब्र करते हैं اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. जुर ला आपके सामने तिलावत की गई इन आयतों में अल्लाह तबार ईमान के दरमियान जब भी कोई इख्तिलाई लड़ाई कोई झगड़ा हो जाए तो सुलह कराने की तालीम दी है फरमाया कि वील अगर अहिल ईमान की दो जमातें आपस में लड़ पड़े तो उनके दरमियान सुलह कराओ फहीहिम बगत अहद हम आल फिल्ल उन दोनों में से कोई एक जमत अगर सामने वाली जमात पर ज्यादती कर रही है तो जो मज़लूम है उसके साथ खड़े होकर तुम ालिम के खिलाफ लड़ो

उसके बाद फरमाया इन्मा अलमुमिनून اخवत फ اصلحو بین اخوی تکم मोमिन आपस में सब कैसे भाई भाई हैं तुम अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह करा दो और अल्लाह से डरो कि तुम रहम किए जाओ इस आयत का शानी نزول अलमा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलेही ने जिक्र किया है कि एक مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ बिन उबई बिन सलूल के पास उसे के लिए, उसे नसीहत करने के लिए तशरीफ ले गए मुनाफिकों का सरदार था ये नबी करीम पे सवार थे गधे पे सवार होके पहुंचे थे अब्दुल्ला बिन उबई के पास जब अल्लाह के नबी सल उसके करीब पहुंचे तो उसने शरारतन ये जुमला कहा कि मोहम्मद दूर हटो यहां से तुम्हारी गधे की तुम्हारे गधे की बदबू मुझे तकलीफ दे रही है यह सुनकर एक सहाबी में आ गए और उन्होंने कहा अल्लाह की कसम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गधे की बू तेरी बदन की बदबू से बहुत बेहतर है यह सुनकर अब्दुल्ला बिन उबैस बिन सलूल के कबीले के जो कुछ मुसलमान थे जो हालांकि साथ ही थे लेकिन हम कबीला होने की वजह से वो गीरत में आ गए और उस सहाबी और इनके दरमियान लड़ाई शुरू हो गई इख्तलाफ़ात शुरू हो गए उस वक्त आसमान से फौरन वही नाजिल हो गई कि जब भी अहले ईमान की दो जमातें किसी भी मामले में आपस में लड़ पड़े उनके दरमिया सुलह करवाओ मालूम हुआ कि लड़ने वालों के दरमियान सुलह कराना जहां इख्तलाफ पैदा हो चुका है वहां इत्तेफाक की राहें तलाश करना जो लोग जुदा हो रहे हैं उन्हें एक दूसरे से करीब करना यह नबी करीम अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह सुन्नत सुन्नतें महजूरा है ऐसी सुन्नत है कि जिस पर मुआशरे में अमल करने वाले खाल खाल ही नजर आते हैं लोगों को लड़ाने वाले हजार मिलेंगे जो करीब है उन्हें दूर करने वाले कदम कदम पर मिलेंगे नफरतें फैलाने वाले हर जगह मिलेंगे लेकिन मोहब्बत की क्षमा रोशन करने वाले टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले टूटे हुए रिश्ते रिश्तों को मिलाने वाले मुआशरे में बहुत कम नजर आते हैं नबी क़रीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत महजूरा है ये हमारे मुआशरे में जब भी कोई इख्तिलाफ होता है मियां बीवी के दरमियान इख्तिलाफ औलाद और वालिदेन के दरमियान इख्तलाफ हो भाई और भाई के दरमियान इख्तिलाफ हो आग में पेट्रोल डालने वाले तो बहुत मिलेंगे लेकिन इस इख्तलाफ को खत्म करने के लिए सुलह की कोशिश करने वाले शाज़ो व नादिर ही हमें माशरे में मिलते हैं हालांकि अगर किसी भी मुआरे में अगर ऐसे अफराध पाए जाएं जो लड़कों के दरमियान सुलह कराने का जज्बा रखते हो और उसी को अपना मकसद जिंदगी बनाए हुए हो कि जहां भी किसी खानदान में किसी कबीले में किसी घराने में हम इख्तलाफ देखें लड़ाई देखें हम सुलह कराएंगे मुफाहमत करवाएंगे जहां ऐसे लोग पाए जाएंगे वहां किसी भी खानदान के किसी भी घराने के बड़े से बड़े मसाइल हल हो जाते हैं बिलाद अरब में हुकूमती सतह पर हर शहर में एक कमेटी बनी रहती है जिसका नाम ही लजनत होता है जिसका मतलब एक ऐसी कमेटी जो लड़ने वालों के दरमियान सुलह कराती है झगड़ने वालों को आपस में मिलाती है हमने देखा सुबह अल्लाह कितने बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं मिया बीवी जिनका मसला तलाक के करीब पहुंच चुका होता है और ऐसे रिश्तेदार और ऐसे दोस्तों अब आप, आप जिनकी नफरतें इस कदर बढ़ चुकी होती हैं कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस कमेटी के बाद अफराद की कोशिशों से फिर से उनकी साबिका मोहब्बतें लौट आती हैं और हर तरह की नफरत खत्म होती है आज जरूरत है ऐसे लोगों की आज जरूरत है ऐसे लोगों की जो लड़ते लड़ने वालों के दरमियान सुलह कराने की फिक्र रखते हों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बड़ी फजीलतों वाला अमल बचाया है बुखारी और मुसीम की एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अबू अबूरा रजीरावी हैं कि इंसान जब सुबह करता है तो हर सुबह बदन में जो तीन सौ साठ जोड़ है हर जोड़ के बदले एक एक सदका इंसान पर वाजिब होता है और 360 जोड़ के बदले इंसान पर तीन सौ साठ सदक वाजिब होते हैं कराम को हुआ। पूछने लगे अल्लाह के नबी हर सुबह 360 सौ साठ सदकों की अदायगी बड़ी दुशवार है बड़ा दुशवार काम है नबी करीम साल वसलम ने कहा कि नहीं इसकी दु, इसकी अदायगी बहुत आसान है आपने फरमाया वुल्लु तहमीद

बुराई से रोकना एक सदका है फिर आपने फरमाया दो लड़ते हुए के अफराद के के दो झगड़ते हुए इंसाफ सुलह कर देना भी एक बड़ा सदका है तो मालूम हुआ कि हर सुबह हम पर जो 360 सदके वाजिब होते हैं उनकी अदायगी की एक शक्ल और सूरत यह है कि लड़कों के दरमियान सुलह कराई जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ के तकाजों के मुताबिक सुलह कराने वालों को यह फजीलत सुनाई है कि आप फरमाते हैं अल मुक्सितून अला मनाबिर मिन नूर अयमीन الرحمان कहा कि वो लोग जो दुनिया में इंसाफ के तकाजों के मुताबिक लोगों के दरमियान फैसले करते हैं इंसाफ से लोगों के दरमियान सुलह कर आते हैं कल क्यामत के रोज वह हशर के मैदान में नूर के मेंबरों पर सुरख सरफराज किए जाएंगे सारी मखलूक के सामने हशर के मैदान में वो सर बुलंद होंगे और अल्लाह तला के दाएं हाथ की जानब नूर के मेंबरों पे वो सरफराज किए जाएंगे कितनी बड़ी फजीलत है सुलह कराने वालों की और इंसाफ के तकाजों को पूरे करने वालों की इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि झूठ जिसे शरीयत में नाजायज करार दिया गया कहा गया अल्लाह की लानत है झूठों पर कहा गया आपसे पूछा गया अल्लाह के नबी मोमिन बुजिल हो सकता है आपने कहा कि हाँ हो सकता है आपसे पूछा गया क्या मोमिन वकील हो सकता है आपने कहा कि हाँ हो सकता है पूछा गया मोमिन झूठा हो सकता है आपने कहा कि मोमिन झूठा नहीं हो सकता झूठ को शरीयत ने इस कदर नापसंद है लेकिन सुलह कराने की इतनी अहमियत है और इतनी फजीलत है कि शरीयत ने जिन तीन मुकामात पे झूठ कहने की इजाजत दी है उनमें से एक मुकाम ये भी है लड़कों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ कहना जायज है लड़कों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ कहना जायज है इल्म ने कहा कैसे कहा कैसे झूठ जाएगा? मसलन जायद और बकर आपस में इख्तलाफ हो गया है एक दूसरे से बोलते नहीं है एक तीसरा शख्स उनके दरमियान सुलह कराना चाहता है वो जायद के पास जाके कहता है कि भाई अभी मैं बकर के पास से होके आया हूं बकर को अपनी गलती पर नदामत है शर्मिंदगी है और वो आपसे मिलना चाहते हैं हालांकि न वो बकर से मिला है ना ही बकर को नदामत है लेकिन मकसद चूंकि दोनों को मिलाना है इसने शरीयत ने झूठ कहने की इजाजत दी है इसी तरह से जैद के पास से वो बकर के पास आता है और बकर के पास आके कहता है कि मैं जैद के पास गया हुआ था जैद भी अपनी गलती पे नादिम है पशेमान है वो बहर सूरत आपसे मिलना चाह रहा है और आपसे माफी का तलबगार है इस तरह कह के जब आपस में एक दूसरे को मिला देते हैं तो यह झूठ अल्लाह तला के नजदीक बड़ा पसंदीदा झूठ है गौर करो कि आखिर के सुलह कराने की कितनी अहमियत होगी कितनी फजीलत होगी इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां कहीं कोई इख्तलाफ होता कोई लड़ाई होती आप फौरन तशरीफ ले जाते तदारुक करते सुलह की पूरी कोशिश करते एक मरतबे बनु आम रिबिन जो कि कबीला था बनो आमर बिन औ में अख्तलाफा शुरू हो गए झगड़ा हो गया चंद अफरा के दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन तशीफ ले गए उनके दरमियान मुफाहमत कराई, सुलह कराई, कर आई और आपके आने में इतनी देर हो गई यहां नमाज का वक्त हो चुका था मस्जिद नबी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए नहीं बिलाल हबशी रजी ने अबू बकर सिद्दीक से कहा कि अबू बकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए नहीं आप आगे बढ़िए नमाज पढ़ाए पढ़ाइए अबू बकर सिद्दीक रजी आगे बढ़े नमाज़ पढ़ानी शुरू की कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपके तशरीफ़ लाने पर अबू बकर पीछे हट गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम बनकर आपने नमाज़ पढ़ाई तो देखिए जिंदगी में तकबीर तहरीमा कभी कभी ही छूटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनमें से एक मौका यह भी जहां आपकी तकबीर तहरीमा छूटी किस लिए लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए आप गए थे लड़तों के दरमियान जहां नफरत पैदा हो गई थी नफरत के माहौल को खत्म करके मोहब्बत का पैगाम देने के लिए आप वसल्लम गए थे आज कहां हैं वो लोग जो नबी की सुन्नत को अपनाते हो कहा है वो लोग जो नबी करीम वसल्लम की इस अजीम सुन्नत पे अमल पैरा होते हो सुलह कराने वाले लड़तों के दरमियान लड़तों के दरमियान सुलह कराने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बड़ी फजीलत बताई आपके नवासे नवासे रसूल हसन बिन अली रजी अल्लाह की जहां बहुत सारी बहुत सारी फजीलतें हैं उनमें हसन बिन आप आली पे तशरी फरमाते खुदबा दे रहे थे आपके साथ मम्बर पर आपके नवासे हसन बिन अली थे आप सल्ह वसलम ने सहाबा की जमात से खिताब करके कहा किब न सईद मेरा ये बेटा मेरा यह बेटा सरदार है आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक मेरे इस बच्चे के जरिए से मेरी उम्मत के मुस्तबिल में आपस में लड़ती हुई दो अजीम जमातों के दरमियान सुलह कराएगा। चुनाचे तारीख ने देखा कि जिस वक्त खिलाफत राशिदा के आखिरी इाम में बिन अबी तालिब रजी अल्ला और बिन अबी नबी सुफियान रजी अल्लाह नुमा के दरमियान कुछ गलत फहमियों की, की वजह से लड़ाई शुरू हो गई जंग शुरू हो गई तो ये माहौल खत्म हुआ जंग का ये माहौल हसन बिन अली रजी अल्लाह के इकदाम सुलह से खत्म हुआ हसन बिन अली रजी ने अमीर मुआविया रजिया के हत में खिलाफत से दसबरदार होकर तनाजुल इख्तियार करके खिलाफत को मुआविया रजील के हवाले जब किया तो उम्म फिर से एक मरतबे सन चालीस पर एक हिजरी में एक खलीफा पर जमा हो गई इसीलिए सन चालीस पर एक हिजरी को आम उजम कहा जाता है इजमायत का साल जब उम्मत इंतशार के बाद फिर जो है जमा हो गई इकट्ठा हो गई मुतहिद हो गई थी नबी करीम वसल्लम की इस पेशन गोई के मुताबिक हसन बिन अली रजी की बहुत बड़ी फजीलत थी कि हसन बिन अली रजी ने उम्मत के दरमियान जो इख्लाफ और इंतशार का माहौल पैदा हो गया था अपने हक़ से दस्तबरदार होकर अपने हक़ से दस होकर उन्होंने जो उम्मत में सुलह कराई और ये मिजाज अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि झगड़े को ना पसंद करते हुए झगड़े को खत्म करने के लिए कोई शख्स अपने हक से दस्तबरदार हो जाए चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं अनजईम बिबयित फि रब्जिल जन्नत لمن ترك المراء وان كان محقا आप फरमाते हैं मैं उस शख्स को जन्नत में एक घर की गारंटी देता हूँ, मैं उस शख्स को जन्नत में एक महल की गारंटी देता हूं जमानत देता हूं कि जो अपने हक से दसबरदार हो जाता है जो अपने हक से दसबरदार हो जाता है महज लड़ाई को नापसंद करते हुए इख्तिलाफ को नापसंद करते हुए इख्तिलाफ से बचने के लिए जो अपने हक से दसबरदार हो जाता है अपने हक को छोड़ देता है मैं ऐसे शख्स को जन्नत में घर की गारंटी देता हूं कहां है वो लोग कहा है हमारे माशरे में वो लोग जो नबी करीम अलैहि वसल्लम की इन अजीम तालिमात पे अमल करते हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन पाकिजा तालिमात को अपनी अमली जिंदगी में अपनाते हो इख्तिलाफ कहां नहीं होता मसाइल कहाँ नहीं होते दुश्मनी कहाँ नहीं पैदा होती शैतान हर जगह हर वक्त कोशिश करता रहता है कि किसी तरह हले ईमान के दिलों में नफरत डाल दे किसी भी तरह हमारी सफों में दरार पैदा कर दे हमारे दरमियान दूरियां पैदा कर दे लेकिन अगर हमारे अंदर शोर हो मोमिनाना खुवत का शोर हो मोमिनाना भाईचारगी का शोर हो ईमानी रिश्ते के तकाजों से हम वाकिफ हो बड़े से बड़ा मसला भी आसानी से हल हो सकता है यह देखिए ये अबू बकरी हैं और नबी करीम की जिगर फातिमा रजी अल्लाह हैं इन दोनों में हो गया और इख्तलाफ की बुनियाद ये थी कि नबी करीम सल्लाम की वफ़ात के बाद जब अबू बकर खलीफा बने तो अबू बकर खलीफा बनने बने तो फातिमा रजी अल्लाह अबू बकरी के पास आई नबी करीम सल्लाम की मीराश में अपना हक मांगते हुए अबू बकर सिद्दीक रजी के आपलम आप ने फरमाया था अम्बिया की मीरा नहीं हुआ करती अम्बिया की मीरास नहीं हुआ करती अम्बिया की जो भी माल छोड़ के जाते हैं वो मुसलमानों के बैतुलमाल का होता है अम्बिया का माल उनके वारिसन में तकसीम नहीं होता फातिमा रजी अल्लाह के इल्मे हदीस न थी वो पूछते हुए आई कि नबी की मीरास में मेरा हक दीजिए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने कहा कि फातिमा अल्लाह के नबी का यह फरमान है इसलिए इस माल में आपका हक नहीं है बशरियत का तकाज़ा फातिमा रजी अल्लाह अबू बकर से नाराज हो गई नाराजगी बढ़, बढ़ती गई दूरियां पैदा हो गई यहां तक के अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उन्होंने खुद आगे बढ़कर खुद आगे बढ़कर सुलह करने का फैसला किया फातिमा रजियाल्ला जब बीमार हुई तशरीफ ले गए खलीफे वक्त हैं और फातिमा रजीलाना के घर तशरीफ ले गए जाके इजाजत चाहिए फातिमा मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कुछ बात करना चाह रहा हूं इजाजत दीजिए फातिमा रजी अल्लाह ने अपने शोहर आली रजियाल्ला से इजाजत तलब की कि अगर आप इजाजत दें तो मैं इजाजत देती हूं अली बिन नबी तालिबे रजी अल्लाह ने इजाजत दी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तशरीफ ले गए फातिमा रजी अल्लाह वहां से दरख्वास्त की और दरख्वास्त करके कहा क्या नबी की बेटी अय नबी की लखते जिगर अबू बकर के लिए इससे बड़े सदमे की कोई बात नहीं हो सकती नबी की चाह थी बेटी अबू बकर से नाराज हो फातिमा नारा, नारा, हो जाओ फातिमा मुझसे खुश हो, जा, मुझ राजी हो जाओ मैंने जो भी किया है वो फरमाने नबवी के तहत किया है नबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह इस कदर दुहाई देते रहे कि फातिमा रजी अल्लाह नाराजी हो गई और इस तरह जो भी नाराजगी का माहौल पैदा हो गया था चपकलिश पैदा हो गई थी अबू सिद्दीक इस माहौल छोटा नहीं हो जाता अब हो सकता है सबसे बड़ी मन कब वाले इंसान थे वो लेकिन उनकी आजिजी और इनकी सारी देखो आगे बढ़कर सुलह कर रहे हैं नबी करीम सी फरमाया जो अल्लाह की खातिर जो शख्स अल्लाह की खातिर आजिजी इख्तियार करता है अल्लाह की खातिर खुद खुद छोटा बन जाता है अल्लाह तख्स को सुर्ख रुई अता करेगा अल्लाह ताला ऐसे शख्स को बुलंद करेगा ऐसा ही मामला पेश आया था अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह और माई आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह के दरमियान वो खाला थी और ये बहन जे थे

माई ऐशा ने नजर मान ली कि मैं अब्दुल्ला बिन जुबैर से कभी बोलूंगी नहीं कभी बात नहीं करूंगी अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह को एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी अपनी उस खाला के हक में जो अमुल मोमिन है अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह उन्होंने किसी तरह आगे बढ़कर सुलह कर लेनी चाहिए उमुल मोमिन तैयार नहीं होती थी एक मरतबे अब्दुल्ला बिन जुबैर ने मिसवर बिन मकरमा और अब्दुलरहमान से दरखास्त की कि मुझे ले जाओ अमुल मोमिन के पास मुझे ले जाओ मेरी खाला के पास और किसी तरह से मेरी खाला को समझा कर मना कर मुझे मेरी खाला से मिला दो गौर करो नदामत इसको कहते हैं मसाइल कहां पैदा नहीं होते मसाइल हर जगह पैदा होते हैं सहाबा में भी पैदा हुए लेकिन सहाबा की खसूसियत ये थी वो किसी भी मसले को तूल नहीं देते वो छोटे बनकर आगे बढ़ते और किसी तरह मसले को ख़त्म करने की कोशिश करते सुलह करने की कोशिश करते और आज हमारा मसला ये है हम छोटे छोटे मसले को इस कदर तूल देते हैं तूल देते हैं कि छोटे से छोटा मसला भी बड़ा बन जाता है और छोटा छोटा इख्तलाफ भी हमारे दरमियान सालों की दुनिया पैदा कर देता है मिसवर बिन मख्रमा और عبد रहमान इब्न अल असद रजी अल्लाह अनुमा ये दोनों ले गए अब्दुल्लाह बिन जुबैर को मैया आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ना के घर पे पहुंचे दस्तक दी पूछा के मैया हम दाखिल हो सकते हैं क्या मैया आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ना ने कहा के हाँ आ सकते हो मेरे घर दोनों ने पूछा हमारे साथ कुछ और भी हैं वो भी आ सकते हैं क्या सिद्धिका रजी अल्लाह ने कहा कि हाँ वो भी आ सकते हैं हजरत आयशा को खबर न थी कि साथ में बिन जुबैर है जब तीनों घर के अंदर दाखिल हुए तो अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह जो माई ऐशा के पहन जे थे वो गए और जाकर सीधे अपनी खाला से लिपट गए अपनी खाला से लिपट गए ज़ारो कितार रोने लगे जारो कितार रोने लगे और कहने लगे खाला मुझे माफ़ दर, दर आपका बहन जहा है और बेटे की दर गुजर कर दीजिए आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह जारो कितार रोने लगी अब्दुल्ला बिन जुबैर भी रो रहे हैं माई आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहा रो रही है रोते रोते माई आयशा सिद्दीका

इख्लाफात कहाँ नहीं होते मसाइल कहाँ नहीं होते लेकिन अगर सुलह कराने वाले मौजूद हों या लड़ने वालों के दरमियान लड़ने वालों का जमीन खुद जिंदा हो और ईमानी खुवत और ईमानी खुवत और ईमानी भाईचारेगी के तकाजों से हम वाकिफ हों बड़े से बड़ा मसला हल हो सकता है आज हमारी सोच क्या है हमारी सोच ये है हमने से हर शख्स लड़ने वाला ये कहता है हमारी गलती हमारी गलती पर हमारी नजर नहीं रहती हमारी नजर सिर्फ सामने वाले की गलती पर रहती है और जब भी माफ करने की बात दरगुजर की बात या सुलह कराने की बात की जाती है हम कहते हैं कि हमने तो कोई गलती नहीं की गलती तो फ़लां की है आगे बढ़ने हमारी हिम्मत नहीं होती आगे बढ़कर सलाम करना हम पर बड़ा शाक गुजरता है हम समझते हैं कि आगे बढ़कर सलाम कर लेने से आगे बढ़कर मिल लेने से हम छोटे हो जाएंगे कमतर हो जाएंगे नहीं हरगिज नहीं लसान नबूवत का इरशाद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब दो अशखास के दरमियान गुफ्तगु छूट जाती है बातचीत छूट जाती है तो आपने फरमायाब्दाबी सलाम सबसे बेहतर वो है उन दोनों में सबसे बेहतर वो है जो आगे बढ़कर सलाम कर देता हो भाइयों याद रखना आज हमारा मुआरा नफरत की आग में जल रहा है हमारे घर हमारे खानदान हमारी रिश्तेदारियां नफरत की आग में जल रही हैं हर घर में इंतजार हर घर में फूट हर घर में इख्तलाफा रिश्तों में फूट रिश्तों में दरारें डाली जा रही हैं और बात बात पे बात बात को मसला बनाया जाता है और उसको साल हा साल तक ले जाया जाता है बातचीत नहीं की जाती औलाद वालिदैन से बात नहीं करती भाई भाई से बात नहीं करता भाई बहन से बात नहीं करता दोस्तों अब आप, आप एक दूसरे से इस कदर दूर होते हैं ऐसे अजनबी बन जाते हैं कि जैसे कभी कभी उनके दरमियान तल्लुत ही ना रहे हों याद रखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो अपने भाई से तीन दिन से ज्यादा गुफ्तगु छोड़े शरीयत कोई भी मसला हो तीन दिन तक हमें इजाजत देती है अपना गुस्सा करने की अपने गुस्से को जाहिर करने की तीन दिन तक इजाजत देती है लेकिन तीन दिन के अंदर हमारा गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए तीन दिन से ज्यादा किसी से बात छोड़ना मना है आप सल्ला फरमाया, ऐसे दो अशखास की इबादतें कबूल नहीं होती जो आपस में तीन दिन से ज्यादा गुफ्तगू छोड़ते हो बल्कि एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया कि कोई मुसलमान अगर किसी मुसलमान से एक लंबी मुद्दत बात छोड़ देता है तो लंबी मुद्दत तक बात छोड़ना उसका खून बहाने की मानिंद है उसका कत्ल करने की मानिंद है उसका मर्डर करने की मानिंद है इसलिए भाइयों अपने सोच के, सो अपनी सोच को बदलो सोचने के अंदाज को बदलने की जरूरत है आगे बढ़कर बात कर लेना आगे बढ़कर सलाम कर लेना आगे बढ़कर हाथ मिला लेना आगे बढ़कर हाथ मिला लेने से आगे बढ़कर बात कर लेने से याद रखना हम हर घर के छोटे नहीं होते अल्लाह ताला के पास बढ़ाई का मैार यही है अल्लाह ताला के पास वो बंदा महबूब है वो बंदा मकबूल है वो बंदा मंजूर है जो आगे बढ़कर बात कर लेता है गलती भले से सामने वाले ही की क्यों ना हो हमारी कोई गलती क्यों ना हो हमने गलती ही नहीं की सारी गलती सामने वाले की है या फिर ज्यादा गलती सामने वाले की है बड़ी गलती उसने की है छोटी गलती हमने की हो बहर सूरत हमें चाहिए हम आगे बढ़कर मिल जाए हम आगे बढ़कर मिल जाए आप ने फरमाया हर पीर और जुमेरात को बंदों के आमाल अल्लाह ताला के हुजूर अल्लाह के दरबार में पेश किए जाते हैं हर शख्स की बख्शिश होती है सिवाय उन दो अशखास् के जो आपस में बोला नहीं करते आपस में बात नहीं किया करते नबी करीम नबी करीम वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तक फरिशों से फरमाता है इन दोनों को छोड़ दो जब तक ये दोनों सुलह नहीं करते आपस में मिल नहीं जाते दाहहा मैं उन दोनों के अमाल को देखूंगा नहीं मैं इन दोनों के अमाल को कबूल नहीं करूँगा दुश्मनी कितनी भी क्यों ना हो इख्तलाफात कितने बड़े क्यों ना हो हमारे दरमियान कम अज कम इतना तो हो कि जब भी आम ना सामना हो सलाम कर लिया जाए सलाम तो कर लिया जाए सर सलाम कर लेने से या सलाम का जवाब दे देने से आदमी बात छोड़ने के हुक्म से बाहर हो जाता है जब भी सामना हो सलाम कर लो या वो सामने वाला सलाम करता है जवाब दे दो सलाम का सलाम का सिलसिला भी अगर हमारे दरमियान बाकी रहता है तो हम बात छोड़ने वालों के दायरे से बाहर निकल जाते हैं बात छोड़ने वालों के हुक्म से बाहर हो जाते हैं इसलिए लाख इख्तिलाफात हो लाख दुश्मनी हो सलाम को हरगिज़ हरगिज़ ना छोड़ो आगे बढ़कर सलाम करो और उधर से सलाम होता है तो आगे बढ़कर जवाब दो आज जरूरत है माशरे में ऐसे अफराद की जो लोगों के दरमियान सुलह कराने की सुन्नत को जिंदा करते हो कहाँ हैं वो लोग जो नबी करीम सल्लासम की एक एक सुनत के मुहाफ और अमीन बनना चाहते हों वह उठें और इस मुर्दा सुन्नत को जिंदा करें दुआ है रबालमीन से के परवरदिगार कहने वाले को और सुनने वालों आलमीन रबीन तो फरमाए कि हम रिश्तेदारियों को जोड़ने वाले बने अल्लाह ताला हमें महफूज रखें कि हम रिश्तेदारियों को तोड़ने वाले ना बने अल्लाह कर आमीन वाद आलमीन